हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट की वेबसाइट में यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहला काम है यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना, उसके बाद हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। ये एक इस वीडियो में केवल यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का प्रोसीजर आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कैसे कैसे पासपोर्ट अप्लाई किए जाते हैं। ये एक पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पासपोर्ट की वेबसाइट पर पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए यूजर आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम google.com में जा रहे हैं। जैसा कि आप नहीं जानते होंगे कि पासपोर्ट का URL क्या है, तो अपने को ये डालना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा डालते ही सबसे पहले आ जाएगा passportindia.gov.in। इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए आ गया passportindia.gov.in। साथ में ये थोड़े पॉपअप्स खुल जाएंगे COVID-19 एडवाइजरी का एक्स्ट्रा करके, ये सब आपको क्लोज करने हैं। ये मेरे लैपटॉप में भी एक पॉपअप खुल गया, ये क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑप्शंस है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूजर लॉग इन। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेज खुल जाएगा। जब ये पेज आपको खुलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है पासपोर्ट ऑफिस पर। पासपोर्ट ऑफिस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सीपीवी दिल्ली की साइड में लिखा हुआ है, सीपीवी दिल्ली ऑप्शन इज ओनली फॉर अप्लाइंग द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। हमारा नॉर्मल सिटीजन पासपोर्ट है पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ आपका शहर चूज कीजिए, जैसे आपका शहर है चेन्नई फॉर एग्जाम्पल, या जो भी आपका शहर है चेन्नई आप चूज करेंगे। गिवन नेम, आपका नाम पहला वाला नाम, जैसे मैं मेरा नाम डाल रहा हूं विनय, मेरा जो सरनेम है सरनेम डाल देता हूं KHEMKA। डेट ऑफ बर्थ मेरे को यहां पे डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिए, 1969 जुलाई 11 डाल दिया है। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी वो है जिसमें आपको एक्टिवेशन लिंक आएगा, तो एक ईमेल आईडी जो आपका प्रॉपर एक्टिव ईमेल आईडी हो। मैं मेरा ईमेल आईडी डाल रहा हूं DTASHAN। ये देखिए आप, ये मेरा ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है dtashanclub@gmail.com। डू यू वॉन्ट टू योर लॉग इन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी? आप यहाँ पे लॉग इन आईडी को भी रख सकते हैं या कोई अपना लॉग आईडी भी बना सकते हैं, उसका अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। अभी ये इसमें मैं मेरे ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी रख देता हूं। इसका चेक अवेलेबिलिटी करते हैं हम, क्लिक ऑन चेक अवेलेबिलिटी। तो अभी यहां पे हम जाते हैं, लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, ओके। अब ये यहां पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप पासवर्ड पॉलिसी देख लीजिए। पासवर्ड मस्ट कंटेन वन डिजिट, वन लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, मिनिमम 8 मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स। क्लोज कर दिया है, मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूं। देखिए ये मेरा पासवर्ड क्रिएट हुआ है, अभी मैं कंफर्म करता हूं। हमने कंफर्म कर दिया है। ये रिमाइंडर के लिए, जैसे अगर आप आपका भूल जाते हैं आप पासवर्ड, तो एक हिंट आए, एक हिंट क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपको हिंट क्वेश्चन आप जो बाद में याद रख सके, आपका फेवरेट कलर क्या है, बर्थ सिटी क्या है, तो बर्थ सिटी CHENNAI चेन्नई, बहुत इजी हो जाएगा। ये कैरेक्टर्स आपको भरने हैं QZDLRA। अगर ये नहीं समझ आता है तो ये चेंज भी कर सकते हैं, तो ये कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। रजिस्टर डोंट सेव कर दीजिए अभी या सेव कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल, एक्टिवेट योर अकाउंट। तो जो आपने जो ईमेल आईडी डाला था उसमें एक एक्टिवेशन लिंक आया, हम आ गए हमारे ईमेल आईडी में। देखिए ये आ गया, पासपोर्ट एडमिन से लिंक आ गया है, इसको आप देखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आके इस लिंक को हमें एक्टिवेट कर देना है। ये लिंक पे हम क्लिक करेंगे तभी हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो पाएगा। अब आपका जो यूजर आईडी,
आपने ईमेल आईडी को ही यूजर आईडी रखा है मैंने, यदि आपने कोई और क्रिएट किया हो तो। ये देखिए मैंने ये पूरा भर दिया, स्मॉल लेटर में डालें चाहे कैपिटल में डालें को इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। सबमिट किया है, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अकाउंट सक्सेसफुल होने के बाद एक बार इसको लॉगिन करके हम चेक कर लेंगे। लॉगिन आईडी डालेंगे दी, ये देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा लॉगिन आईडी। कंटिन्यू, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा कि कैपिटल है या स्मॉल है, जैसा भी आपने पासवर्ड बनाया है। फिर ये आपका जो डिस्प्लेड कैरेक्टर है, जैसे बताया था आपको इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो चेंज हो गया है। ये फुल कैपिटल में है तो फुल कैपिटल में डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल में डालना है। अब ये फुल में है FW2WT3, ये हम हमारे लॉगिन में आ गए। नॉर्मली डोंट सेव ही कीजिएगा लैपटॉप पे कोई भी पासवर्ड, जैसे आपकी इच्छा हो आप सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर आपका ओन पासपोर्ट है, पास लैपटॉप है तो ही आप सेव कीजिए। अब ये हम इसमें लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए ये आ गया है, आपका लॉगिन आईडी यहाँ पर है। आप एक लॉगिन आईडी में चार पासपोर्ट के लिए चार एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी पूरी फैमिली का अप्लाई कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दो चिल्ड्रन। अगर आपको और ज्यादा अप्लाई करने हैं तो और लॉगिन आईडी बनाइए। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं व्यू सेव्ड एप्लीकेशन, हमारा कोई सेव्ड एप्लीकेशन नहीं है अभी। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, ऐसे करके है जो भी हमारे को अप्लाई करना है और उसके बाद ये सब करके ये देख लीजिए हमारा लॉगिन क्रिएट हो गया, बराबर हो गया सब कुछ। हमने नोट कर लेना है हमारा लॉगिन आईडी ये है, पासवर्ड ये है और पास इसका पासपोर्ट का यूआरएल ये है passportindia.gov.in। अब मैं यहां से लॉग आउट हो जाता हूं, ये हम लॉग आउट हो गए हैं। आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? यस, लॉग आउट। तो ये था हमारा लॉगिन आईडी क्रिएट करने का प्रोसीजर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एडल्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, चाइल्ड पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दो अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा जिससे इजी हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसीजर है, आपको बाहर कहीं भाग के 1000 रुपये 800 रुपये प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का नहीं है। 15 मिनट के प्रोसीजर में आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए और बहुत जल्द मैं आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन फिल करने का वीडियो पोस्ट करूंगा। होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।